हजारीबाग जिला के चौपारण में आज 5 सितंबर को शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय झापा बिशनपुर में शिक्षक दिवस के साथ साथ सेवा निर्मित शिक्षक सम्मान विदाई समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को स्कूल परिवार दीप प्रज्वलित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्करी पर पुष्पांजलि अर्पित कर किए शुभारंभ बताते चले, ये स्कूल शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय को 1980 में 6 एकड़ भूमि पर बिशनपुर और झापा के ग्रामीणों के द्वारा आर्थिक सहयोग से उस समय स्थापित की गई जब चौपारण प्रखंड और इटखोरी प्रखंड के बीच कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करने का कोई व्यवस्था नहीं था। उस समय संस्थापक श्री नकुल देव पोद्दार के सिर्फ 5 बच्चों की नामांकन कर शुरू की गई, आज 1000 बच्चों को 11 कमरों में शिक्षा दिया जा रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, लोग आते रहेंगे जाएंगे, इसमें दुख की कोई बात नहीं, इसमें गम की कोई बात नहीं, गम किस लिए आए हैं तो जाना होगा। ये बात मैं पहले नहीं जानता हूँ, मैं इतिहास का शिक्षक था, इसलिए इतिहास के विद्यार्थियों को मैं बताता रहता था कि उत्थान के बाद पतन उतना ही शाश्वत है जितना जन्म के साथ मृत्यु। यदि कोई जन्म लिया तो उसको मरना जरूरी है। अरे जब कभी मैं ज्वाइन किया था तो मुझे विचार होना जरूरी है। मध्य विद्यालय छापा के प्रांगण में शुरुआत हुआ था विद्यालय, और उस समय हम लोग पहला विद्यार्थी हुआ करते थे इस विद्यालय का। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय फसल पांडे जी, जब कभी कोई कार्यक्रम होता था तो एक दो पंक्ति उठाते थे, क्या करते थे, चौपारण की गोरी के बीच में एक हाई स्कूल अनमोल, आप सबों से निवेदन है दीक्षा दे दिल को। चौपारण से मुकेश राणा की रिपोर्ट।